बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज करना है और आपको यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूँगी यहाँ पर। यहाँ आपको एग्जांपल गिवन है, इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, माइनस 15। फर्स्ट स्टेप को करते हुए नोट करें कि यहाँ पे अगर आपके पास ये चार ब्रैकेट्स गिवन है एंड देन माइनस 15 गिवन है, तो आपने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ब्रैकेट में 1 है और लास्ट ब्रैकेट में 4 है। 1 प्लस 4 इक्वल होगा 5 के। इसी तरह 2 प्लस 3 है तो ये भी इक्वल होगा 5 के। तो हमने यहाँ पर जो ब्रैकेट्स को अरेंज करना है, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा x प्लस 1, फिर लिखा x प्लस 4 और ये दोनों ब्रैकेट्स मिलके बन जाएंगे टोटल 1 प्लस 4 5। फिर हमने दूसरा यहाँ लिखा x प्लस 2 और x प्लस 3, क्योंकि जब हम 2 में 3 को प्लस करेंगे तो ये भी बन जाएगा 5। तो अरेंज करना है फैक्टर्स को इसी तरह x प्लस 1, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर माइनस 15। तो फर्स्ट स्टेप में अरेंज करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो यहाँ मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आपने इन चारों ब्रैकेट्स को अरेंज करना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन है, गिवन है फैक्टराइज, और फैक्टराइज करते हुए हमने अभी जो डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेप में हमने करना है अरेंज दीज इक्वेशन, ये जो फैक्टर्स में गिवन है इसको हमने अरेंज करना है। तो वही काम करेंगे हम, जैसे 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ये बन जाता है 5। तो हमने करना है अरेंज द फैक्टर्स। तो फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा x प्लस 1 और फिर यहाँ पर x प्लस 4, फिर x प्लस 3, x प्लस 2 एंड देन x प्लस 3, फिर माइनस 48। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, आपने फर्स्ट x लिखा और फिर सेकंड ब्रैकेट यानी x प्लस 4, फिर आपने प्लस 1 लिखा और फिर आपने लिखा x प्लस 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एक्स लिखा, देन एक्स प्लस 3, फिर प्लस 2 लिखा एंड देन एक्स प्लस 3 यानी सेकंड ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज और माइनस 48 एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, यानी हमने लिखा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स मल्टीप्लाई बाय 4, 4x, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने यहाँ x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3, 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 48। अब यहाँ पर आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि x x वेरिएबल सेम है, प्लस हो गया 5x, फिर प्लस 4, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फिर माइनस 48। अब यहाँ तक जब हमारा क्वेश्चन पहुँच गया तो हमने नोट किया कि क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ भी लिखा है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ भी लिखा है, तो आप यहाँ पर इसको सपोज कर लें, ठीक है। सपोज कर लेंगे हम कि t इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के, तो ये वाली इक्वेशन इस तरह हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम t से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पुट करेंगे t प्लस 4, यहाँ पुट करेंगे t प्लस 6 और फिर माइनस 48। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वही स्टेप यानी फर्स्ट टर्म t लिखी और सेकंड ब्रैकेट यानी t प्लस 6, फिर प्लस 4 लिखा और फिर लिखा t प्लस 6 और माइनस 48 एज इट इज़। अब इसको हमने सॉल्व किया t मल्टीप्लाई बाय t,
टी स्क्वायर फिर टी मल्टीप्लाई बाय सिक्स, सिक्स टी फिर फोर मल्टीप्लाई बाय टी, फोर टी फिर फोर सिक्सा प्लस फोर सिक्सा 24 और आपने आगे लिख दिया माइनस 48। अब इसको हमने सॉल्व किया, लिखा टी स्क्वायर प्लस सिक्स एंड प्लस फोर, टेन टी प्लस अब 24 लिखा एंड देन माइनस 48 लिखा। अब 48 में से 24 को हम माइनस कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस टेन टी आपके पास रह जाएगा माइनस 24। अगेन फैक्टर्स बनाने हैं तो आपने 24 का एलसीएम लेना है फर्स्ट स्टेप में, देन टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू थ्री ज़ा सिक्स एंड थ्री वन ज़ा थ्री। अब आपके पास ये प्राइम फैक्टर्स आ गए टू 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 थ्री, अब इनमें से आपने पिक करना है और टेन टी को मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो टी स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा, माइनस 24 को एज इट इज़ लिखा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से टू माइनस करेंगे तो बन जाएगा टेन, तो आपने लिखा माइनस 12t एंड बल्कि प्लस 12t एंड माइनस माइनस 2t। ट्वेल्व में से टू माइनस करेंगे टेन बन जाएगा, साइन प्लस का रखा है ट्वेल्व के साथ क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन आता है। 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 10 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गया 24। अब आपने यहाँ पर t कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया t प्लस 12 और यहाँ पर आपने माइनस 2 कॉमन लिया तो आपके पास आ गया t एंड माइनस प्लस माइनस और यहाँ आ गया 12 क्योंकि 2 12 से 24। अब आपने एक ब्रैकेट में लिखा t माइनस 2 और एक ब्रैकेट में लिखा t प्लस 12 क्योंकि t प्लस 12 दोनों में था कॉमन, तो हमने कॉमन निकाला और ब्रैकेट में यहाँ t रह गया और यहाँ 2। अब आपने इन द एंड आपने यहाँ पे t की प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x रखा, फिर माइनस 2, फिर सेकंड ब्रैकेट में भी t की प्लेस पर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखा एंड प्लस 12 और ये आपका आंसर हो गया।